यहां पर पधारे हुए मेरे सभी भाई बहनों को मेरा सलाम और भारत जोड़ो जो राहुल जी का कार्यक्रम है और इसमें लाखों लोग जुड़ रहे हैं और इस कार्यक्रम का उद्घाटन करने का मुझे काम सौंपा गया है तो मैं इस कार्यक्रम का हैदराबाद में बड़े संतोष के साथ इस कार्यक्रम का उद्घाटन करता हूं। भाइयों, आज इस मंच पे बैठे हुए हमारे कांग्रेस पार्टी के भूतपूर्व अध्यक्ष श्री राहुल गांधी जी, केसी वेणुगोपाल जी, रेवंत रेड्डी जी, माणिक टैगोर जी, बट्टी विक्रमार और जीवन रेड्डी साहब, उत्तम रेड्डी साहब और सेटकार साहब, संपत कुमार और हनुमंतराव जी, पन्ना लक्ष्मया जी, बोसराज और बहुत से साथी यहां पर है। क्षमा करना, मैं किसी का नाम अगर भूल गया हो तो मैं क्षमा चाहता हूं। भाइयों, एक कार्यक्रम, बहुत ही बड़ा कार्यक्रम राहुल जी ने शुरू किया, कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक कम से कम 3,560 किलोमीटर चलने का, लोगों से मिलने का, लोगों के साथ बहस करने का, हर पार्टी के एनजीओस कोई भी हो कि आज जो हिंदुस्तान में मोदी सरकार, बीजेपी, आरएसएस सभी ने मिलके जो देश को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, समाज में एक दूसरे को लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं और उसी के साथ भाषा भाषा में लड़ाई, धर्म धर्म में लड़ाई और हर चीज में वो आज अपना हाथ आगे कर रहे हैं, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो डेवलपमेंट हो, चाहे किसी भी चीज पर वो अपना छाप बिठाने की कोशिश कर रहे हैं। यहां पर और भी एक बात कर रहे हैं कि जो लोग जिस जगह एक है, एकता से काम करते हैं, मिलजुल के रहते हैं, उनको लड़ाने की कोशिश करते हैं। हैदराबाद स्टेट एक ऐसा स्टेट है जहां पर हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, पारसी सभी एक होकर, एकजुट होकर यहां रहते हैं और यह हमेशा हैदराबाद मशहूर है, खासकर तेलंगाना। मैं भी इसी एरिया से आता हूं, बाजू में रहता हूं, मैं समझता हूं रेवंत रेड्डी और हमारी कानसुनसी लगी हुई है। तो ये मेरे लिए तो नया नहीं है,
और यहाँ का जो कल्चर है, यहाँ का मिलजुल है, सभी लोग जो मिलके रहते हैं, पहले हम देखते हुए आए हैं। अब मैं तो यहाँ से 55 साल से यहाँ पर आते जाते रहता हूँ, यहाँ के लीडरों से मिलता हूँ, यहाँ के लीडर मुझे मिलते थे, और बहुत से सीनियर लीडर यहाँ, अगर हम यहाँ से गुजरते थे तो हमेशा हमको बुला के अपना समझ के पार्टी की बात करते थे, और मिलजुल के एक ऐसा मिलाप था वो कभी नहीं टूट सकता। तो हैदराबाद से, तेलंगाना से हमारा जुड़ाव है, और कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो आपकी इच्छा थी, आपकी आशा थी कि तेलंगाना अलग बने, वो अगर किसी ने किया है, कांग्रेस ने किया है। कांग्रेस आज आप जो चाहते थे वो देकर आप सभी को अपने पैर पे खड़ा होने के लिए आज इतना बड़ा निर्णय श्रीमती सोनिया गांधी जी ने लिया। तो इसलिए भाइयों, ये एक जो देन है इसको कायम रखने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट में कांग्रेस पार्टी को लाने के लिए आप सभी लोग पूरी ताकत लगाना जरूरी है। कोई भी हो, आज यहां पर केसीआर की हुकूमत है। केसीआर की हुकूमत कहां से आई? अरे तेलंगाना से आई, और तेलंगाना के लोग उनको दिए, लेकिन उन्हीं लोगों को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। जो लोग आपके हाथ में यहां पर डेवलपमेंट का झंडा दिया, उन्हीं को आप आज एक एक करके खत्म कर रहे हैं। किसी का लैंड छीन रहे हो, किसी को जबरदस्ती केस डाल रहे हो, किसी को दबाने की कोशिश कर रहे हो, तो मैं यही समझता हूं कि केसीआर में और मोदी में कोई फर्क नहीं है, दोनों एक ही है। क्योंकि हमारे कई बिल जो हम पार्लियामेंट में लाए थे, जरा चुप बैठी है, सुनो, उसके बाद फिर कूदेंगे चुनाव में। भाइयों, आप ये मत समझो कि आज जो केसीआर हर स्टेट जाकर मिल रहे हैं, किसी को गला लगा रहे हैं, किसी को शाल डाल रहे हैं, यहां से लेकर कलकत्ता गए, कलकत्ता से पंजाब गए, पंजाब से फिर